चलिए रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वनाग्नि के प्रकोप से 4 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित आग ने वनकर्मियों की जान ले ली। घटना को नियंत्रित करते समय यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री ने शोक संवेदनाएं इस पूरे घटना पर व्यक्त की हैं। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया गया है। 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, वनाग्नि के प्रकोप से 4 लोगों की मौत का ये मामला सामने आया। देखिए नैन्सी, ये बहुत दुखद है, क्योंकि इससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि जो वन विभाग है वो कितना अलर्ट और सतर्क है। अगर जब आपके जो जो फायर वॉचर हैं, जब वो यहाँ पर आग का सामना करने के लिए पहुंचते तो उन पर संसाधन कितने हैं। हालांकि ये जो मामला सामने आया ये कुमाऊं के अल्मोड़ा का है, और अल्मोड़ा में जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जहां पर ये वनाग्नि घटना सामने आई है, इसमें दोनों तरफ से जो आग ने अपना विकराल रूप धारण किया, आग की लपटों में जो ये कर्मचारी हैं वनकर्मी, इनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद है, और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की है, और जो इनके आश्रित हैं उनको धनराशि दिए जाने की भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। अब जो घायल हैं उनको बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, हायर सेंटर के लिए उनको रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री स्वयं भी अपडेट ले रहे हैं, चूंकि मामला काफी गंभीर है और जान माल का नुकसान हुआ है, ऐसे में आने वाले समय में इसको लेकर के सरकार के स्तर पर भी, विभाग के स्तर पर भी रणनीति और मजबूत किए जाने की बात कही जा रही है। क्योंकि अभी तक जिस तादाद में वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं, जितना वन्य क्षेत्र प्रभावित हुआ है और कई लोगों की इसमें जान चली गई है, ये कहीं ना कहीं बड़ा बहुत ही दुखद पहलू है। और कैसे आगे लोगों की जान को बचाया जा सकता है और वनाग्नि की घटनाओं को कैसे समय रहते नियंत्रित किया जा सकता है। इस ओर कहीं ना कहीं प्रशासन को ध्यान देने की बेहद जरूरत है और आवश्यकता इसलिए भी, चूंकि जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ रही हैं, ये एक चिंताजनक बात वाकई में प्रकृति के लिहाज से भी और लोगों के जानमाल के लिहाज से भी हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।